इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। मित्रों, बिजोलिया जो है राजस्थान की एक रियासत है जिसे उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है मित्रों, ये राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में घटित हुआ, और ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है मित्रों, इसको राजस्थान का सबसे संगठित और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कहा जाता है। वस्तुतः मित्रों, ये आंदोलन जो है वो 1897 से शुरू होता है और 1941 तक बहुत ही अहिंसक रीति से यह आंदोलन चलता है। तो मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, इसका जो प्राचीन नाम है बिजोलिया का, वो था विजयावल्ली। इसको प्राचीन काल में विजयावल्ली नाम से जाना जाता था और इस विजयावल्ली को ही हम आज बिजोलिया कहते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, इसको ऊपरवाल मर्ग के नाम से भी जाना जाता था। मित्रों, इस ऊपरवाल ठिकाने में जो जिसको हम बिजोलिया कहते हैं, यहाँ पर परमार वंशीय ठिकानेदार जो थे उनका शासन था, या परमार वंशीय जो ठिकानेदार थे उनके नियंत्रण में ये आता था। परमार वंशीय कैसे मित्रों, तो ये जो ठिकाना है वो राणा सांगा द्वारा 1527 में खानवा के युद्ध में उनका वीरतापूर्वक सहयोग करने के लिए राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था। अशोक परमार को उनकी वीरता से प्रसन्न होकर मित्रों, राणा सांगा ने ये बिजोलिया जो ठिकाना है उनको उपहार में दिया था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक मित्रों हम कह सकते हैं किसको, अशोक परमार को। ये जो यहाँ के ठिकानेदार थे मित्रों, वो कौन थे, परमार वंशीय थे, क्योंकि वो सभी अशोक परमार के वंशज थे। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया सुपुर्द किया, और अशोक परमार जो थे वो मित्रों मूल रूप से जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जगनेर नामक स्थान है एक भरतपुर में, यहाँ के रहने वाले थे। मित्रों, यहाँ पर इस बिजोलिया ठिकाने की बात करें तो इसमें जो कुल गांवों की जो संख्या थी मित्रों, कितनी थी, 83 गांवों की संख्या थी। यहाँ पे 83 गांव थे छोटे छोटे। और मित्रों, यहाँ पर जो जानने लायक बात है हमारे लिए कि यहाँ पर जो आंदोलन घटित हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका प्रमुख कारण क्या था, तो मित्रों यहाँ पर किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए हुए थे। कितने कर थे, 84 प्रकार के कर थे। इसके साथ साथ मित्रों 70 प्रकार की जो लाभ बाग थी वो यहाँ पर किसानों पर लगाई थी। लाभ बाग यानी कि छोटे छोटे कर, जो जैसे खिचड़ी लाग, और मैंने पहली वीडियो में आपको बताया चूड़ा लाग, इस तरह के जो कर थे, छोटे छोटे लाभ बाग थे वो किसानों पर थी। और इन्हीं लाभ बागों को लेकर किसानों में रोष था, क्योंकि मित्रों उनकी आय जैसे 100% किसानों की जो आय होती थी, कुल आय में से उनका मित्रों ज़्यादातर जो हिस्सा था वो इन करों को चुकाने में लग जाता था। केवल 13% जो उनकी आय का जो हिस्सा था वो उनके पास रहता था। तो मित्रों 13% जो उनकी आर्थिक ही जो उनकी आय में से बचता था, उनकी आर्थिक स्थिति इससे बहुत नाजुक थी। किसानों में ठिकानेदार के प्रति इस बात को लेकर रोष था, और ये रोष जो था मित्रों धीरे धीरे आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसने रूप ले लिया बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो शुरू होता है 1894 में। कब शुरू होता है, 1894 में, और ये 1941 में जाकर समाप्त होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला, भारत का सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था, और ये भारत का सबसे संगठित किसान आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान मित्रों कोई भी अहिंसक घटना जो थी वो किसानों द्वारा अंजाम नहीं दी गई। मित्रों इस आंदोलन के समय मेवाड़ की जो महाराणा थे, कौन थे मित्रों, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मित्रों मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह थे। और यहाँ जो बिजोलिया रियासत है इसके ठिकानेदार कौन थे, तो ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। मित्रों कृष्ण सिंह से पहले यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे, गोविंद सिंह। और गोविंद सिंह से पहले मित्रों यहाँ के ठिकानेदार जो थे उनका नाम था केशव सिंह। क्या नाम था, केशव सिंह।
मित्रों केशव सिंह के टाइम में क्या होता है कि केशव सिंह के टाइम में जब केशव सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार होते हैं तो इन टाइम में बिजोलिया पर मराठों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? मराठों का आक्रमण होता है। और इन मराठों के आक्रमण से, मराठों की लूट से मित्रों बिजोलिया को बचाता कौन है? बिजोलिया को बचाता है गोविंद सिंह, जो आगे जाकर बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है केशव सिंह के बाद। मराठों की लूट से बचाता है कौन? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह के बाद मित्रों, गोविंद सिंह जो है वो किसानों की मदद लेता है मराठों की लूट से बचाने के लिए बिजोलिया को। इसी बात से हमें पता चलता है कि गोविंद सिंह जो था इसके किसानों के साथ अच्छी बनती थी, किसानों के साथ इसका कोई मतभेद नहीं था। और बिजोलिया का ठिकानेदार बनने के बाद इसने किसानों का भरपूर सहयोग किया और उनके साथ मेलजोल की नीति अपनाई। लेकिन गोविंद सिंह के बाद मित्रों, जो गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब होती है? 1894 में। और जब 1894 में गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद मित्रों बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है कृष्ण सिंह। ये कृष्ण सिंह जो था मित्रों, काफ़ी क्रूर और निर्दयी था। बिजोलिया का ठिकानेदार तो बन गया, लेकिन किसानों के प्रति इसके मन में थोड़ी सी भी दया भाव नहीं था। इसने किसानों के प्रति मित्रों बहुत ही कठोर नीति अपनाई और किसानों पर ऊंची दरों पर लाग बाग और बहुत से प्रकार की, जिसमें 84 प्रकार के जो कर हैं वो लगा दिए। इसी बात को लेकर किसानों में मित्रों कृष्ण सिंह के प्रति रोष था। कृष्ण सिंह के प्रति रोष था। तो मित्रों अब जानते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। कृष्ण सिंह के प्रति ये जो किसानों में रोष था, ये आंदोलन का रूप कहाँ लेता है? मित्रों बात है गिरधारीपुरा गांव की। गिरधारीपुरा गांव में मित्रों गंगाराम धाकड़। अब धाकड़ के नाम से मुझे याद आया कि मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सबसे ज़्यादा थे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया ठिकाने में कौन सी जाति के किसान सबसे ज़्यादा थे? तो मित्रों धाकड़ जाति के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा थे। और ये जो आयोजन था वे गंगाराम धाकड़ नामक एक किसान के घर पर था, जिसे हम मृत्यु भोज कहेंगे। और इस मृत्यु भोज में बिजोलिया ठिकाने के सभी किसान मित्रों एकत्रित होते हैं। धाकड़ जाति के किसान जो है इस आयोजन में एकत्रित होते हैं। मित्रों इस आयोजन में जब ये एकत्रित होते हैं तो अपनी दयनीय आर्थिक दशा को लेकर मित्रों यहाँ पर किसानों में विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श के दौरान यह तय किया जाता है कि हम जो है ठिकानेदार की जो शिकायत है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे और उदयपुर जाकर उनको अपनी जो स्थिति है, हमारी जो दैनिक स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। मित्रों वस्तुतः जो ये आंदोलन है जिसको हम बिजोलिया किसान आंदोलन कहते हैं, ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है मित्रों 3 चरणों में चलता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। मित्रों इतना लंबा आंदोलन और अलग अलग चरणों में इस आंदोलन के अलग अलग नेता रहे हैं। मित्रों पहले चरण की बात करें तो पहला चरण है 1897 से लेकर और 1916 तक। इस चरण में मित्रों इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे नानजी ठाकरी पटेल। मित्रों नानजी तो थे बैरीसाल गांव के, और ये ठाकरी पटेल जो थे मित्रों ये अलग जो जगह है वहाँ से बिलोंग करते थे। इसके साथ मित्रों फतेह सिंह चारण, और कौन थे मित्रों? फतेह सिंह चारण। इसके अलावा इस आंदोलन में जो पहले चरण के जो नेता मित्रों इसके जो पहले चरण के जो नेता थे, पहला चरण जो मित्रों 1897 से लेकर 1916 तक चलता है, और पहले चरण के नेता में मित्रों नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, इसके साथ साथ मित्रों फतेह सिंह चारण, साधु सीताराम दास, इसके साथ मित्रों ब्रह्मदेव भी पहले चरण में इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मित्रों ब्रह्मदेव और जो फतेहकंठ चारण है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पहले चरण में मित्रों। तो मैंने आपको एक बात का जिक्र किया कि गंगाराम धाकड़ गिरधारीपुरा गांव में मित्रों गंगाराम धाकड़ के घर पे मृत्यु भोज था, और इस मृत्यु भोज में धाकड़ जाति के किसान जो बिजोलिया रियासत से इकट्ठे होते हैं और अपनी दयनीय आर्थिक दशा की शिकायत करने के लिए नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजते हैं कृष्ण सिंह की जो बिजोलिया का ठिकानेदार होता है उसकी शिकायत करने के लिए। मित्रों कृष्ण ये जो ठाकरी पटेल और नानजी पटेल जो है मित्रों चले जाते हैं फतेह सिंह के पास, महाराणा फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए। फतेह सिंह से मिलने के बाद मित्रों फतेह सिंह जो है वो किसानों की बात सुनते हैं, और हामिद हुसैन
हामिद हुसैन मित्रों एक व्यक्ति होता है, इसको भेज देते हैं बिजोलिया ठिकाने में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए। हामिद हुसैन जो है जाकर फतेह सिंह को सारी बात बताता है कि किस तरह जो है किसानों पर और कुछ ठिकानेदार ने ऊंची लाग बाग लगाई है, लेकिन हामिद हुसैन की बातों पर ज़्यादा फतेह सिंह ध्यान नहीं देते और कृष्ण सिंह जो है उस पर भी इस बात का कोई असर नहीं होता और वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब जो फतेह सिंह है वो उसका कुछ नहीं कर सकते। फतेह सिंह जो है इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं, किसानों की ऊंची लाग बाग को कम करने का प्रयास नहीं करते और बिल्कुल जो ये बात है मित्रों नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन मित्रों फतेह सिंह की इस व्यवहार से, फतेह सिंह के इस आचरण से कृष्ण सिंह जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है और मित्रों उसके हौसले बढ़ जाते हैं। हौसले बढ़ जाते हैं मित्रों इसी कारण वो क्या करता है कि किसानों पर एक कर और लगा देता है जिसे चमरी कर कहा जाता था। चमरी कर मित्रों ये किसानों की बेटियों की शादी पर लगाया उसने और इस कर की जो राशि थी वो थी 5 रुपये। 5 रुपये का चमरी कर जो किसानों पर लगाया जाता है कृष्ण सिंह द्वारा, तो मित्रों इसका किसान जो है भरपूर विरोध करते हैं, भरपूर विरोध करते हैं क्योंकि इस कर के कारण किसानों की बेटियों की शादियां होनी बंद हो जाती हैं और मित्रों ज़्यादातर जो बिजोलिया रियासत के जो किसान है वो बिजोलिया से पलायन कर ग्वालियर की ओर कूच करने लगते हैं तथा बिजोलिया में खेती बाड़ी का काम बंद कर देते हैं। अब मित्रों आप ही बताइए कि जब किसान खेती बाड़ी बंद कर देंगे, फसल नहीं होगी तो वो कर कैसे देंगे। तो इस बात से क्या काफ़ी दिनों बाद क्या कृष्ण सिंह इस बात से घबरा जाता है कि राजस्व नहीं आएगा तो वो महाराणा को कर कैसे चुकाएगा, टैक्स कैसे चुकाएगा जब किसान उसे लाग बाग नहीं देंगे। तो मित्रों कृष्ण सिंह जो है किसानों के साथ समझौता करता है और चमरी कर जो है उसको उठा देता है किसानों पर से और जो लाग मित्रों कर उसने लगाया होता है किसानों की राजस्व का 1/2 उसे 2/5 में परिवर्तित कर देता है, कम कर देता है। मित्रों 1906 में क्या होता है कि कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह जो है मित्रों ये निसंतान होता है, इनकी कोई पुत्र नहीं होता। इसी कारण मित्रों कामा एक जगह है मित्रों, कहाँ पर है ये भरतपुर जिले में है राजस्थान के, और यहाँ से पृथ्वी सिंह को बुलाया जाता है मित्रों। पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का ठिकानेदार बनाया जाता है मित्रों। पृथ्वी सिंह भी किसानों के प्रति क्रूरता की नीति अपनाता है और मित्रों जब ये ठिकानेदार की गति पर बैठता है तो उस टाइम मित्रों एक कर का प्रावधान होता है जो वहाँ के ठिकानेदार यानी कि बिजोलिया के ठिकानेदार को गद्दी पर बैठते वक्त संबंधित रियासत के महाराणा को चुकाना होता है, जिसको मित्रों कहते हैं तलवार बंधाई कर या मित्रों इसको कहते हैं उत्तराधिकारी कर। ये जो है इस उत्तराधिकारी कर का मित्रों किसानों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी मित्रों ठिकानेदार द्वारा पृथ्वी सिंह द्वारा इस कर का सारा बोझ जो है वो बिजोलिया रियासत के किसानों पर डाल दिया जाता है। इससे क्या है मित्रों किसान जो है वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि जिस कर का उनसे कोई लेना देना नहीं है वो कर भी उन पर डाल दिया गया है। तो मित्रों पृथ्वी सिंह की इस नीति से किसान परेशान होकर खेती करना बंद कर देते हैं तथा बिजोलिया से पलायन करने लगते हैं। अंत में मित्रों ये जो कृष्ण सिंह है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और सब 1914 में क्या होता है मित्रों, ये जो पृथ्वी सिंह होता है, सॉरी मित्रों कृष्ण सिंह नहीं पृथ्वी सिंह जो होता है इसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है पृथ्वी सिंह की, और पृथ्वी सिंह की 1914 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन मित्रों ये कोई भी किसानों के कर में कोई कटौती नहीं करता और मृत्यु होने के बाद मित्रों इसका अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम होता है केशव सिंह, क्या नाम होता है केशव सिंह, तो मित्रों जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है सन 1914 में तो इसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र, अल्पवयस्क यानी कि ये भी बहुत छोटा होता है और इसका नाम होता है मित्रों केसरी सिंह, क्या नाम होता है केसरी सिंह। इस केसरी सिंह के हाथ में जब जागीर आती है तो इसे संभालने के लिए एक वयस्क व्यक्ति की जरूरत होती है। अल्पवयस्क होने के कारण मित्रों बिजोलिया जो ठिकाना होता है उसकी जो ठिकाना होता है उसकी जो सारी जो मित्रों प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के हाथों में चली जाती है। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स यानी कि ये जो सारा इसका बिजोलिया का प्रशासन है वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अंडर में चला जाता है
और फतेह सिंह द्वारा मित्रों इस बिजोलिया रियासत को संभालने के लिए एक मुंशी जिसका नाम होता है अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत को यहाँ का मुंशी नियुक्त करते हैं। कौन? फतेह सिंह महाराणा, मेवाड़ के जो शासक होते हैं महाराणा फतेह सिंह यहाँ मुंशी नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है अमर सिंह राणावत, और यहाँ पर इनकी सहायता के लिए एक उप मुंशी भी नियुक्त किया जाता है जिसका नाम होता है डूंगर सिंह बाटी। क्या नाम होता है मित्रों? डूंगर सिंह बाटी। तो ये दोनों मिलकर इस बिजोलिया रियासत के प्रशासन को और राजस्व को संभालते हैं और किसानों की जो सभी समस्याएं जो है उनको गौर से देखते हैं। मित्रों ये दोनों मिलकर जो फतेह सिंह को किसानों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं और बिजोलिया ठिकाने की ऊंची लाग बाग के बारे में फतेह सिंह को अवगत कराते हैं। तो फतेह सिंह के आदेश पर मित्रों ये किसानों की लाग बाग समाप्त करने का प्रयास करते हैं या समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त बिजोलिया का जो कामदार मित्रों जी कामदार कौन होते हैं बिजोलिया के इस वक्त? तो वो होते हैं तेज सिंह और हीरा लाल। कहते हैं कि बिजोलिया में इन लाग बागों को कम करना इस टाइम बहुत ही गलत है, क्योंकि इस वक्त जो केसरी सिंह है वो अल्पवयस्क है और वो इससे संबंधित कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो इन जो ये फतेह सिंह का जो आदेश है इसको केसरी सिंह के व्यस्त होने तक रोक लगाई जा सकती है या रोक लगानी चाहिए। तो कामदार हीरा लाल कामदार कौन होता है मित्रों इस समय? कामदार होता है हीरा लाल। बिजोलिया रियासत का कामदार कौन होता है? हीरा लाल। और मित्रों फौजदार कौन होता है? तो फौजदार होता है तेज सिंह। ये दोनों मिलकर मित्रों इन लाग बाग और रियासत को हटाने नहीं देते हैं। अमर सिंह और डूंगर सिंह बाटी जो होते हैं किसानों की सहायता करने को तैयार होते हैं फतेह सिंह के आदेश पर, लेकिन इन रियायतों को नहीं हटाने देते हैं। कौन नहीं हटाने देते हैं? कामदार हीरा लाल और फौजदार तेज सिंह। वो चाहते हैं कि केसरी सिंह के व्यस्त होने तक इन रियायतों पर रोक लगाई जाए। हम जानेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का मित्रों द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण के बारे में मित्रों मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी। द्वितीय चरण मित्रों हमारा जो था वो 1916 से लेकर 1923 तक था, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आता है और बहुत ही प्रभावी नेता जिनको भूप सिंह कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलनों को गति देने के लिए भूप सिंह जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। ये इनका मित्रों बचपन का नाम था भूप सिंह, वैसे इनको राजस्थान में विजय सिंह पति के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों विजय सिंह पति जब इस आंदोलन से जुड़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से, तो बिजोलिया का किसान आंदोलन जो है पूरे भारत का एक प्रमुख आंदोलन बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाने का काम करते हैं विजय सिंह पथिक। मित्रों हमारा जो पहला चरण था वो था 1897 से लेकर 1916 तक जो हमने पहला चरण पढ़ा उसमें मित्रों इसके जो नेता थे वो स्थानीय नेता थे 1916 तक। कौन कौन थे मित्रों? 1897 से लेकर 1916 तक इस आंदोलन को जो संभालने वाला नेतृत्व था वो था साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, और इसके साथ साथ जो कुछ नानजी ठाकरे पटेल जो थे वो स्थानीय नेता थे। लेकिन अब इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं विजय सिंह पथिक। मित्रों विजय सिंह पथिक तो को पता था कि ये आंदोलन जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है और यहाँ के जो किसान हैं वो ऊंची लाग बाग से त्रस्त है। तो उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए मित्रों समाचार पत्रों का सहारा लिया। पहले हम जानते हैं कि विजय सिंह जो पथिक थे वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो मूल रूप से विजय सिंह पथिक जो थे यूपी के बुलंदशहर से थे और बुलंदशहर के एक गाँव जिसका नाम था गुड़ावाली गाँव के ही रहने वाले थे और इनका जो नाम था वो था भूप सिंह। मित्रों ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के द्वारा राजस्थान में राजनीति की भावना फैलाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने गोपाल सिंह खरवा का साथ दिया। गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई मित्रों, और इस सशस्त्र क्रांति की योजना का जो है वो अंग्रेजी सरकार को पता चल जाता है और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों को पकड़कर अंग्रेजों द्वारा टाटगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। मित्रों टाटगढ़ जेल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, टाटगढ़ किले के बारे में, उसी में एक जेल स्थित है जहाँ पर इन विजय सिंह को और
गोपाल सिंह पथिक को कैद रखा जाता है। मित्रों ये यहाँ से भाग जाते हैं 1914 में, अपना नाम और भेष बदलकर। मित्रों विजय सिंह जो पथिक हैं वो इसी बिजोलिया रियासत उपरवाल रियासत के एक छोटे से गांव में आकर और मित्रों छिप जाते हैं। धीरे धीरे क्या है ये अपना नाम और भेष बदलकर मित्रों इस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना लेते हैं। और यहाँ के एक विद्यालय मित्रों जिसका नाम होता है, एक छोटी संस्था होती है और इस संस्था का काम होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और इस संस्था का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा जो थी मित्रों इसकी स्थापना की थी हरि भाई किंकर ने। किसने की थी मित्रों? हरि भाई किंकर ने इसकी स्थापना की। और हरि भाई किंकर जो थे इन विजय सिंह पथिक के जो विचार थे, राष्ट्रीयता से भरपूर जो विचार थे, इन विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। हरि भाई किंकर ने विजय सिंह पथिक के बारे में साधु सीताराम दास को बताया और इसी विद्या प्रचारिणी सभा का, विद्या प्रचारिणी जो ये संस्था थी इसका एक वार्षिक उत्सव होता है। और इस वार्षिक उत्सव में, इस विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक उत्सव में विजय सिंह पथिक की मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से। मित्रों साधु सीताराम दास जो थे काफ़ी समय से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और किसानों की जो समस्याएं थी उनसे विजय सिंह पथिक को अवगत कराते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए विजय सिंह पथिक को तैयार करते हैं। मित्रों विजय सिंह पथिक जो है पूर्ण रूप से किसानों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसानों का साथ देने के लिए वे एक संस्था का निर्माण करते हैं जिसे उपरमाल पंच बोर्ड कहा गया या किसान पंच बोर्ड का जिसको नाम भी दिया गया। मित्रों इस पंच बोर्ड को आर्थिक सहायता दी जाती है हरि भाई किंकर और जमुना लाल बजाज द्वारा। किसके द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है? जमुना लाल बजाज और हरि भाई किंकर द्वारा। मित्रों जमुना लाल बजाज ही वही हैं जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। मित्रों इन्होंने आगे बढ़कर राजस्थान में राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के लिए किसान आंदोलन के जरिए भी जनता को राष्ट्रीय सत्ता की भावना का संचार करने का प्रयास किया और अपने आर्थिक सहयोग द्वारा क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया। तो यहाँ भी हम जमुना लाल बजाज का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने किसान जो पंच बोर्ड था उसको आर्थिक सहायता दी और इसमें इनका सहयोग किया हरि भाई किंकर ने। तो मित्रों यहाँ उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में और मित्रों ये दिन था सावन की हरियाली अमावस के दिन इस किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है और इसका जो सरपंच है वो बनाया जाता है मन्ना पटेल को। इसको बनाया जाता है मित्रों मन्ना पटेल को, ये इस किसान पंच बोर्ड की जो संस्था थी इसके सरपंच थे। मित्रों इस संस्था का मेन कार्यकाल क्या था? तो इसका मेन कार्य था किसानों से वसूले जाने वाले ऊंचे लाभ भाग का विरोध करना और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप मित्रों गोपालवास के एक व्यक्ति थे, किसान थे जिनका नाम था नारायण। इन्होंने नारायण नाम के जो किसान थे उन्होंने जागीर द्वारा वसूले जाने वाले ऊंचे लाभ भाग का विरोध किया और मित्रों इन्होंने मेवाड़ की जो सरकार थी उसने पकड़कर इस नारायण दास को जेल में डाल दिया। मित्रों उपरमाल पंच बोर्ड के सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि नारायण दास को छोड़ो नहीं तो हमें भी जेल में डालो। तो ये जो संस्था थी बहुत मजबूती के साथ उभरी और बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों को इसने बहुत ही बल दिया। मित्रों इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बल दिया। विजय सिंह पथिक ने इस संस्था का नेतृत्व करते हुए किसानों से आग्रह किया कि वो जमींदार को लाग बाग नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का जो कर है वो जमींदार को नहीं देंगे। किसानों ने भी एकमत होकर इस संस्था में अपना सहयोग दिया। अब मित्रों बात करते हैं कि किस तरह विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मित्रों इन्होंने समाचार पत्रों द्वारा, जैसे बात करी तो इनके द्वारा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में मित्रों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और राजस्थान सेवा संघ के एक समाचार पत्र जिसको कहा जाता है मित्रों राजस्थान केसरी, तो ये राजस्थान केसरी का भी इन्होंने संपादन किया। ये जो समाचार पत्र था मित्रों
ये भी इन्होंने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। इसके साथ साथ मित्रों इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस बनाने के लिए एक समाचार जिसका नाम था प्रताप। तो ये प्रताप जो समाचार था पूरे देश में बिजोलिया किसान आंदोलन की जितनी भी घटनाएं घटित होती थी, जितना ही घटनाग्रम मित्रों किसानों और जागीरदारों के बीच वहाँ घटित होता था, उन सब की छोटी छोटी बातों का भी इस प्रताप समाचार में जिक्र किया जाता था। और इस प्रताप समाचार के जरिए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना दिया। मित्रों इस प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो समाचार पत्र था मित्रों कानपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक के रूप में जाना जाने लगा और राष्ट्रीय स्तर पर विजय सिंह पथिक से प्रेरणा पाकर कई नेताओं ने किसान आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया। विजय सिंह पथिक ने मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़कर और राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को लेकर जाने के लिए और भारत सरकार को बिजोलिया किसान आंदोलन की सारी घटनाक्रम की पूरी जानकारी देने के लिए कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनको अपना मुख्य जो टारगेट बनाया। मित्रों 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने धरना देकर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कांग्रेस को जगाने की कोशिश की। बम्बई में जब 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया। मित्रों कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इन्होंने तिलक जी की सहायता से अपना जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के अधिवेशन में रखा, लेकिन इनका जो प्रस्ताव है वो स्थगित कर दिया गया। इस तरह मित्रों ये दो अधिवेशनों तक तो कांग्रेस का जो ध्यान थे बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ नहीं ले जा सके, लेकिन बम्बई अधिवेशन के दौरान मित्रों 1920 में हुआ और इस बम्बई अधिवेशन के दौरान इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को इस आंदोलन के बारे में बताया। मित्रों गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जाँच करने के लिए इनका जो निजी मंत्री था जिसका नाम था महादेव देसाई, इस महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा इस आंदोलन की जांच करने के लिए। तो मित्रों महादेव देसाई जब भीलवाड़ा आते हैं यानी कि बिजोलिया जब आते हैं तो किसानों की इस दुर्दशा या ऊंची लागबाग द्वारा उनका जो विरोध था और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसकी जांच करते हैं तो महादेव देसाई को सारी स्थिति का पता चलता है और महादेव देसाई जो है वो गांधी जी को जाकर बिजोलिया के हालात के बारे में बताते हैं। मित्रों महादेव देसाई की जब बिजोलिया की स्थिति के बारे में गांधी जी को बताते हैं तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर गांधी जी जो है वो कुछ सीरियस हो जाते हैं और बिजोलिया की तरफ जो है वो भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने की ठान लेते हैं। इसी दौरान मित्रों अब हम बात करते हैं कि बिजोलिया जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिजोलिया में कौन कौन से जांच आयोग जो है वो भेजे गए। तो बिजोलिया में जो जांच आयोग भेजे गए उनमें पहला जो जांच आयोग था वो था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या नाम था मित्रों पहले जांच आयोग का? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। मित्रों ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो था वो अप्रैल 1919 में गठित होता है और ये इसकी जो अध्यक्ष होते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके साथ साथ मित्रों इसके दो सदस्य भी होते हैं जिनका नाम था अमर सिंह राणावत। एक जो सदस्य था उसका नाम था अमर सिंह राणावत और दूसरे सदस्य का नाम था अफजल अली। क्या नाम था? अफजल अली। और इनकी रिपोर्ट पर मित्रों ये जब बिजोलिया आकर जांच करते हैं ये पहला बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग तो इसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा जो आयोग है मित्रों उसकी बात करें तो इस आयोग में मित्रों सदस्य थे राज सिंह जो थे वो द्वितीय जांच आयोग के सदस्य थे जो बिजोलिया में भेजा जाता है। और मित्रों ये द्वितीय जो जांच आयोग है वो कब भेजा जाता है? तो मित्रों ये फरवरी 1920 में भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? फरवरी 1920 में ये जांच आयोग भेजा जाता है। इसके जो सदस्य थे मित्रों इसके राज सिंह बेदला के ठाकुर थे। कौन? ये राज सिंह।
इसके साथ साथ मित्रों एक सदस्य दो सदस्य और थे इनके साथ, इनमें एक का नाम था रमाकांत मालवीय और तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था तख्त सिंह। तो इस तरह दूसरे जांच आयोग में ये तीन सदस्य थे और इस जांच आयोग के साथ मित्रों मेवाड़ के बहुत ही प्रभावी व्यक्ति जिनका नाम था माणिक्य लाल, राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन में माणिक्य लाल वर्मा का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। माणिक्य लाल वर्मा के साथ मित्रों एक 15 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात करता है इस जांच के दौरान। और मित्रों ये था द्वितीय जांच आयोग जो फरवरी 1920 में बिजोलिया आता है। अब मित्रों बात करते हैं कि गांधी जी जब इस आंदोलन को लेकर थोड़ी सी सक्रिय हो जाते हैं तो उस दौरान मित्रों गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है, भारत सरकार तो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ भारत सरकार का रुख जोड़ा जाता है और भारत सरकार द्वारा बिजोलिया आंदोलन में हस्तक्षेप करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए या उसकी सारी स्थिति की देखने के लिए मित्रों एक मंडल जो है भारत सरकार द्वारा बिजोलिया में भेजा जाता है। और इस मंडल में मित्रों कुछ भारत सरकार के सदस्य होते हैं, साथ साथ बिजोलिया ठिकाने के सदस्य भी होते हैं और मित्रों मेवाड़ सरकार के सदस्य तथा किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर एक फैसले को अंजाम देते हैं। और इस फैसले में इस समझौते में ये जो समझौता होता है मित्रों ये होता है 5 फरवरी 1922। और इस 1922 में मित्रों इस किसान आंदोलन के बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेता होते हैं वो होते हैं विजय सिंह पथिक। तो मित्रों विजय सिंह पथिक जो है भारत सरकार की तरफ इसका प्रमुख जो दूसरा जो चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का उसकी प्रमुख बात ये रही कि इस पे नेतृत्व था विजय सिंह पथिक का और इन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाया। भारत सरकार की जो ध्यान था वो बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ आकर्षित किया और भारत सरकार ने मित्रों जो मजबूत एक्शन भी लिए इस आंदोलन को लेकर। अब इस आंदोलन में जब भारत सरकार का जब हस्तक्षेप किया तो एक मंडल भेजा गया बिजोलिया में और इसमें भारत सरकार और मेवाड़ सरकार के कुछ सदस्य थे जिनके नाम हैं मित्रों, जैसे पहला सदस्य जिसका नाम था ए जी जी होलैंड। इसके साथ मित्रों दूसरा जो सदस्य था वो था इनका जो सचिव था विल्किंसन। ये अंग्रेज सरकार की तरफ थे जिसे हम भारत सरकार कहें। दूसरा जो सदस्य था विल्किंसन था। इसके साथ साथ मित्रों सुभाष चंद्र चटर्जी जो सीमा शुल्क अधिकारी थे और हकीम बिहारी लाल, ये जो सदस्य थे मित्रों ये भारत सरकार और मेवाड़ सरकार के सदस्य थे जो इस मंडल में शामिल थे। इसके साथ साथ मित्रों बिजोलिया ठिकाने के सदस्य कौन कौन थे इसमें, तो उनके नाम के बारे में जाने तो बिजोलिया ठिकाने के सदस्य थे मित्रों हीरा लाल, ये वही कामदार और मित्रों वही तेज सिंह जो था जिसने रियायतें नहीं दी थी किसानों को केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण। तेज सिंह और हीरा लाल मित्रों इनकी मुख्य भूमिका रहती है बिजोलिया ठिकाने की तरफ से। इनके साथ साथ मित्रों एक सदस्य और था झालम सिंह, ये बिजोलिया ठिकाने की तरफ से ये सदस्य थे इस समझौते में। और ये समझौता होता है मित्रों 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये समझौता होता है मित्रों। बिजोलिया के किसानों की तरफ से भी एक प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल था जिसमें बिजोलिया के मित्रों मोतीचंद कौन थे मित्रों, ये सरपंच थे बिजोलिया के। इसके साथ साथ मित्रों माणिक्य लाल मेवाड़ के बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक क्रांतिकारी माणिक्य लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी मित्रों जो बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, बेगू किसान आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, तो राम नारायण चौधरी भी इन किसानों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। इस तरह मित्रों इन सब लोगों ने मिलकर एक समझौता किया 4 फरवरी 1922 को और मित्रों ये समझौता लागू होता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को ये समझौता लागू हो जाता है। इस समझौते के अनुसार मित्रों 11 जून 1922 से
11 जून 1922 से किसानों की 35 प्रकार की जो लाग बाग है वो समाप्त कर दी जाती है। 35 प्रकार की लाग बाग जो है वो समाप्त कर दी जाती है। समझौता ये होता है 1922 में। मित्रों, समझौता तो हो जाता है, लेकिन इस समझौते के बाद भी जो मेवाड़ जो रियासत थी वो उदासीन हो जाती है, और बिजोलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार है ठाकुर है केसी सिंह, इसका विवाह होता है मित्रों 1923 में। इस 1923 में जब इसका विवाह होता है तो ये किसानों से अपने विवाह पर कर वसूलता है, और ये जो समझौता हुआ 1922 में ये मित्रों बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है, और फिर से किसानों का विरोध शुरू हो जाता है इस समझौते को लेकर, इस कर व्यवस्था को लेकर। सितंबर 1923 में मित्रों क्या होता है कि प्रतीक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मित्रों, प्रतीक जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है सितंबर 1923 में, तो इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि धीरे धीरे करके राजस्थान में प्रतीक जी की जो प्रसिद्धि थी तो वो बढ़ती जा रही थी किसान आंदोलनों के संदर्भ में, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो बेगो किसान आंदोलन चल रहा था वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा पाकर जोर पकड़ने लगा, और विजय सिंह प्रतीक को बेगो में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया गया। विजय सिंह प्रतीक ने बेगो किसान आंदोलन को भी नेतृत्व देने की सोची, लेकिन अंग्रेज सरकार थी वो विजय सिंह प्रतीक के इस कदम से बिल्कुल नाराज हो गई, और विजय सिंह प्रतीक को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, ताकि विजय सिंह प्रतीक जो है राजस्थान में किसान आंदोलन और ना भड़का सके, किसान आंदोलन जो है वो और जोर ना पकड़ सके विजय सिंह प्रतीक के नेतृत्व में। इसलिए विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। कब डाला गया? तो सितंबर 1923 में। मित्रों, सितंबर 1923 में प्रतीक जी को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा दी गई। इसके साथ साथ ही मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन का ये द्वितीय चरण यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि पथक जी की गिरफ्तारी के बाद एक बार के लिए जो आंदोलन है वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है। अब हम बात करेंगे मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण के बारे में। तो ये तृतीय चरण जो है मित्रों चलता है 1923 से लेकर 1941 तक। तो तृतीय चरण जो है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं मित्रों। तृतीय चरण में राजस्थान के इस बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं माणिक्य लाल वर्मा, और मित्रों ये तृतीय चरण जो है वो 1923 से लेकर 1941 तक चलता है। 1923 से 1941 तक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं माणिक्य लाल वर्मा। मित्रों, माणिक्य लाल वर्मा जो है इनके प्रयासों से भूमि बंदोबस्त अधिकारी जनवरी 1927 में बिजोलिया आते हैं, जिनका नाम होता है ट्रेंच। क्या नाम होता है? ट्रेंच। ये ट्रेंच जो बिजोलिया आकर जांच करते हैं और बिजोलिया के ठिकानेदार और किसानों के मध्य एक समझौता करवाते हैं, जिसमें 17 प्रकार की जो लाग बाग है किसानों की वो माफ़ कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद मित्रों मई 1947 में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता जिनका नाम था माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार करके मित्रों जेल में डाल दिया जाता है, और जितनी भी किसानों पर लाग बाग हटाई गई थी वो वापस लगा दी जाती है। 1927 में मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा के बाद जेल जाने के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? जमना लाल बजाज वह हरी भाऊ उपाध्याय मित्रों जो अजमेर से जुड़े हुए थे, विशेष रूप से अजमेर क्षेत्र के थे, हरी भाऊ उपाध्याय जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1931 में मित्रों गांधी जी के कहने पर इनका एक प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय जमना लाल बजाज और उपाध्याय के कहने पर ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री को मनाते हैं, जिसका नाम था सुखदेव प्रसाद। ये सुखदेव प्रसाद को मनाते हैं और माणिक्य लाल वर्मा को जेल से है रिहा करा लेते हैं। कब करा लेते हैं? 1931 में। मित्रों जब वर्मा जी जेल से लौटते हैं तो 1933 में इन्हें 1931 में वर्मा जी को पुनः कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया जाता है, और 1933 में मित्रों इनको फिर से आज़ाद कर दिया जाता है। 1938 में मित्रों वर्मा जी जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। इसके बाद मित्रों क्या होता है इस आंदोलन में मित्रों एक नया मोड़ आ जाता है, और
1941 में मेवाड़ के नए प्रधान, मेवाड़ जो रियासत है इसमें एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम है सर टी राघवाचार्य। क्या नाम था? सर टी राघवाचार्य। ये सर टी राघवाचार्य जो है 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके साथ जो इनके राजस्व अधिकारी, मेवाड़ के राजस्व अधिकारी जिसका नाम था मोहन सिंह मेहता, इस किसान आंदोलन के बारे में पूरी तरह जानकारी लेते हैं और किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए और माणिक्यलाल वर्मा के साथ एक समझौता करते हैं। किसान प्रतिनिधि माणिक्यलाल वर्मा के साथ एक समझौता करते हैं। कौन करते हैं? सर टी राघवाचार्य और राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता। और इस समझौते के तहत मित्रों किसानों की जितनी भी लाभ बाग जो थी बिजोलिया में वो समाप्त कर दी जाती है और यही जो है मित्रों इस आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। इस तरह मित्रों ये जो आंदोलन है 1897 से लेकर 1941 तक चलता है और इस आंदोलन में कई नए नए मोड़ आ जाते हैं। इतने लंबे टाइम तक किसान जो है अपनी लाभ बाग समाप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मित्रों इतने लंबे टाइम के दौरान भी इस आंदोलन की खासियत रही कि इस आंदोलन में कोई भी हिंसक घटना जो थी घटित नहीं हुई। किसानों के धैर्य और मित्रों उनके साहस का परिणाम था कि किसानों को अपनी जो लाग बाग है वो समाप्त हो गई और किसानों को अपनी इस आंदोलन में पूर्ण सफलता मिली। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।